लखीमपुर हिंसा मामले में अब पुलिस ने कहा है कि अजय मिश्रा के बेटे यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ जो धाराएं हैं उसको और सख्त किया जाना चाहिए, हत्या की धारा भी लगनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है विशंबर निषाद जी, समाजवादी पार्टी सांसद। विशंबर जी, अजय मिश्रा और उनका जो है बेटे लगातार ये कह रहे थे कि उन्होंने कोई गंभीर अपराध नहीं किया, अदालत के ऊपर भरोसा, लेकिन पुलिस कह रही है कि उनके खिलाफ जो धाराएं हैं उसको और गंभीर करना चाहिए, हत्या की भी धारा होनी चाहिए। देश के किसानों का, देश के नौजवानों का, भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उनका भरोसा उठ गया है। चाहे हाथरस का मामला हो, हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसको आधी रात में जलाया गया, तब योगी जी और योगी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग कह रहे थे कि ये उसकी बेटी ने, उसकी माँ ने, उसके भाई ने हत्या किया है। और जब जांच हुई तब वही लोग दोषी पाए गए जिनके खिलाफ सब लोग कह रहे थे। उसी तरह किसानों के मुद्दों को लेकर के किसान अपना बिल वापस करने की बात कर रहे थे, तो गृह मंत्री के बेटे ने उन पर गाड़ी चढ़ाने का काम किया। ये जो है पूरी तरह से अलोकतांत्रिक सरकार है और पुलिस जो है, पुलिस पे कोई वहाँ की भरोसा नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं, लेकिन यह तो पुलिस ही कह रही है कि अब जो है जो उनके ऊपर हत्या की कोशिश का मामला था उसको हत्या के मुकदमे में तब्दील किया जाए, तो पुलिस की जांच में इतना निकल के आया ना, वो तो पूरा देश कह रहा है, पूरा वीडियो में है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके बेटे ने जो है गाड़ी चढ़ा के हत्या की है, तो उसका हत्या का मामला तो बनता था, तो लेकिन उसको लीपापोती करे। हम तो मांग कर रहे थे कि जो है गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, मोदी जी को, इसे मोदी जी कुछ बोलना चाहिए। आज तक मोदी जी जवान नहीं खुली और गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, चूंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में यूपी से योगी सरकार जा रही, अखिलेश सरकार आ रही, इसलिए जो है तो ये लोग चारों तरफ भाग रहे हैं। ऐसा कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री जिले जिले में चुनाव के मुद्दे लेकर जाए और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करे। जब लॉकडाउन लगाया था तब कोई बस नहीं चलाई, तब कोई ट्रेन नहीं चलाई जनता के लिए, और जब अपनी रैली करना है तो सरकारी कर्मचारियों को 5,000 बसें, सरकारी बसें, उसमें झंडा भाजपा का लगा कर, भाजपा का झंडा लगा करके अपनी रैली करवा रहे। लेकर के आप लोग लगातार कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए आशीष मिश्रा के खिलाफ, तो अब आप मानते हैं कि जो जांच हो रही है, क्योंकि आप लोग जांच के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे थे, वो आप अभी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या अब ये जांच सही दिशा में है, जब पुलिस खुद कह रही है कि धाराएं और ज्यादा गंभीर होनी चाहिए? क्योंकि पुलिस ही जांच करती है, हम लोग लगातार मांग कर रहे थे, पूरा देश जब दबाव बना रहा, पूरे किसानों ने 14 महीने तक किसानों ने अपना त्याग किया, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, और केंद्र की सरकार कह रही थी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि कोई किसान शहीद हुआ है, जबकि यहीं पे 4 किसानों की हत्या जो है भारतीय जनता पार्टी के गृहमंत्री के बेटे ने किया था, तो इसे साबित हो गया है, तो इनको इसमें सजा मिलनी चाहिए और इनको हत्या का मुकदमा, जितने भी और लोग दोषी हों इनके, उनके सबके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होकर उनको जेल जाना चाहिए। यानी साफ तौर पर विशंबर निषाद जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इनका ये कहना है कि ये तो पहले से ही पता था कि इस तरीके का अपराध उन्होंने किया है, लेकिन उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब अगर जो पुलिस ने जो है ये बात कही है तो उनको खिलाफ कड़ी कार्रवाई होकर के सजा भी मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन वरुण के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।